जी बेटा, वी हैव डन द मॉर्निंग सिक्स क्वेश्चंस बेटा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर जो है सेवेंथ। ओके, सिक्स्थ में, सिक्स्थ सॉरी, क्वेश्चन नंबर फाइव हमने कर लिए थे। फिफ्थ जो है, सिक्स्थ क्वेश्चन अब हम करेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइज 9.1। व्हाट द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, फर्स्टली वी विल रीड इट फ्रॉम द बुक, आफ्टर देन वी विल मेक अ फिगर। अगेन आई एम सेइंग इट इज कंपल्सरी टू मेक द फिगर्स, अदरवाइज जो है मार्क्स नहीं मिलते। ओके, वन मार्क तो फिगर का ही होता है। चलिए, 1.5 टॉल जो है बॉय इज स्टैंडिंग ऑन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मेरे पास जो है कि वन बिल्डिंग इज देयर, ओके, 30 मीटर। ओके, अ बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, जो हमें वो डिस्टेंस नहीं पता है, बट इतना पता है कि दैट बॉय इज 1.5 मीटर टॉल। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बोला गया 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो, मैंने बिल्डिंग की जगह पे बिल्डिंग लिख दिया, बॉय की जगह पे बॉय लिख दिया, ताकि हम जिधर मर्जी फिगर बनाने हमें क्लियर पता हो। ओके, नाउ व्हाट थिंग हैव रिटन हियर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो कहते हैं कि जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, अब ऑब्वियस है बॉय का फेस यहाँ कहीं होगा तो आईज भी यहाँ कहीं होंगे, है ना। वो इतने से इतने डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट टारगेट ही निकालते। वो कहते हैं कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एलिवेशन है मतलब द पर्सन इज हियर एंड द ऑब्जेक्ट इज हियर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम जो है 30 to 60 डिग्री व्हेन ही वॉक्स टूवर्ड्स दैट बिल्डिंग। वैसे भी मैंने आपको ये बात बताई थी, जो स्ट्रेट कोई भी बिल्डिंग टावर है और हमने उसका टॉप का एंगल देखना है, तो वो जितना लाइन, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन के पास होता है उतना एंगल बड़ा होता है, जितना दूर जाता जाता है उतना छोटा होता जाता है। ओके, तो यहाँ तो क्लियर कट मेंशन ही कर दिया है कि जितना हम पास जा रहे हैं उतना वो एंगल जो है वो क्या है कि चेंज हो गया 30 to 60 डिग्री। नाउ व्हाट दे हैव रिटन हियर, फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल टूवर्ड्स अ बिल्डिंग। वो कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ उसने ट्रेवल किया है हमें वो कैलकुलेट करना है ना। सबसे पहले लेबलिंग कर लेंगे हम, वी राइट ए बी सी डी और ये ई। ओके बेटा, सबसे पहली बात है जितना का कुछ हमें फिगर में से मिलता है ना, हमें वो कैलकुलेट कर लेना चाहिए। देखो, ये पूरी 30 थी, इसमें से अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। हमने ए बी सी डी ई, इसको एफ ले लेते। ओके, वी राइट क्लियरली कि डी ई इज इक्वल टू बी एफ, दैट इज 1.5 मीटर। ओके, तो दिस इम्प्लाइज कि मेरे पास ए एफ, ये ए एफ कितना हो गया, दैट इज 30 - 1.5, दैट इज 28.5 मीटर। ओके जी, यानी ये जो ऊपर गए ये 28.5। ओके बेटा, हम क्या करेंगे, हम इसको एक्स ले लें, सी डी को वी लेट इट एक्स, और इसको वाई मीटर्स ले। ओके, हम लिखेंगे लेट डी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड सी एफ इज वाई मीटर एज शोन इन फिगर। हमने फिगर में सारा कुछ शो कर दिया। ओके बेटा, क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस छोटी ट्रायंगल में से हम वाई निकाल सकते हैं। एक चीज याद रखना, जितने एंगल्स ये होते हैं ना, वो ट्रायंगल जरूर यूज होते हैं। तो सबसे पहले 60 वाली देखो, तो इस ट्रायंगल में से वाई निकल आई,
क्योंकि 90 और ये 60 इस ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, फिर अगर मैं ट्रायंगल हूं ए एफ डी, मैं कभी भी ए सी डी नहीं ले सकती बिकॉज यहां पर 90 है ही नहीं है, आई कांट टेक इट। मुझे ऐसी ट्रायंगल लेनी होती है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन एंगल 90 होना ही, वन एक एंगल 90 होना जरूरी है बेटा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इन ट्रायंगल ए जो है एफ सी, मेरे पास ए एफ ओवर एफ सी दैट इज टेन 60 डिग्री। ओके जी, तो मेरे पास जो है 28.5 एफ सी वाई और टेन 60 की वैल्यू मेरे पास जो है रूट थ्री, तो वाई की वैल्यू 28.5 बाय रूट थ्री मीटर्स। ओके बेटा, क्लियर हो गया, रैशनलाइज करना है कर दो, आपकी मर्जी है, बाद में करना है बाद में कर दो, डजंट मैटर। ठीक है, अब हम लेके आते हैं इन ट्रायंगल ए एफ डी, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए तब भी तो हम टी रेशियोज लगा सकते हैं। मैं बार बार ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को टी रेशियो बोलती हूँ। ओके, तो मेरे पास जो है ए एफ ओवर डी एफ, एस एफ ओवर मेरे पास जो है डी एफ, देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस वो कितना हो गया टेन 30 डिग्री हुआ ना, पी बाय बी टेन थीटा कितना है 30। अब 60 नहीं लेना क्योंकि हम बड़ी ट्रायंगल ले रहे हैं, उसमें इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। ओके, नाउ ए एफ मेरे पास मैंने कितना कैलकुलेट किया था 28 बाय, मैं रब कर रही हूँ ये चीज तो मुझे चाहिए ही। ओके, 28.5 ओवर डी एफ एक्स प्लस वाई दैट इज टेन 30। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री मेरे पास हो, तो x प्लस y दैट इज 28.5 बाय रूट थ्री। ओके, मुझे x निकालना है ना क्योंकि उसने बोला था ये बॉय कितना डिस्टेंस कवर करता है इन ऑर्डर टू रीच दैट एलिवेशन एंगल, तो ये नहीं x ही निकालना था मेरा एम था, तो अब मैं क्या करूंगी दैट इज 28.5 बाय रूट थ्री माइनस y, और जो है मेरे पास आई विल डू हियर, तो x इज इक्वल टू 28.5 बाय रूट थ्री माइनस जो है, चेक करना हमने कोई गड़बड़ी कर दी। ओहो देखिए यहां पर मेरे पास टेन 30 की वैल्यू है ना, मैंने रूट थ्री लिख दी, गड़बड़ी हो गई ना, वन बाय रूट थ्री। देखो मेरे को कैसे पता चला दोनों एक्स वाई का आंसर सेम आ गया, मैंने कहा कोई तो गड़बड़ी कर दी ना, अपने आप आपको अपनी मिस्टेक का पता चल जाता है। ठीक है, तो वन बाय रूट थ्री, तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई, तो 28.5 रूट थ्री। ओके जी, अब एक्स इज इक्वल टू 28.5 रूट थ्री माइनस वाई, अब 28.5 रूट थ्री माइनस 28.5 बाय रूट थ्री, वाई की वैल्यू ही थी ना मैंने पुट कर, अब रैशनलाइज कर दो। ओके, रैशनलाइज कर दो यहां पर रूट थ्री से एंड सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। फिर लिखो कि देयरफॉर द डिस्टेंस जो है दैट द बॉय ट्रैवल्ड इज दिस, जितना भी आपकी कैलकुलेशन हो जाए। क्लियर बेटा, क्लियर टू एवरीवन, समझ आई बेटा बात, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, चले बेटा आगे। चलिए लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेशंस पूरी कर लिया करो बेटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 7, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब वो क्या कहता है लेट अस सी। हां जी, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज रिटन हियर from a point on the ground, they just mentioned, okay, from a point on the ground, the angle of elevation
of the top and the bottom of transmission tower fixed at the top of the 20 meter high building. अब मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है, लेकिन किसका देखना? टॉप एंड बॉटम. अब मैं एलिवेशन देख रही हूं, मींस आई एम ऑन द ग्राउंड, बट मैंने टॉप और बॉटम की अगर किसी का देखना है तो जो वो बॉटम होगी ना, वो ग्राउंड लेवल पे कभी नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे एंगल देखना है ऑफ एलिवेशन, तो वो थोड़ा सा ऊपर ही देखना है. तो 100% जो मुझे कहा गया कि एक बिल्डिंग जो कि 20 मीटर टॉल है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, इसके टॉप इसके बॉटम के एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है. ओके, और मुझे बताया गया है, देखो उन्होंने पहले बोला बॉटम, फिर बोला टॉप, और एंगल आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. पहले बॉटम बोला तो ये 45 पहला एंगल बॉटम का है और ये 60. वैसे भी कुछ सोचो, छोटा एंगल होगा, बड़ा पूरा कंप्लीट एंगल में ही आएगा ना, पूरी कंप्लीट ट्रायंगल में आएगा. ठीक है, ये नहीं हो सकता 45, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको पहले ही बोला था जो है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ. तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये है और ये आईज ऑफ साइट से दो, ये लाइन ऑफ साइट बोल सकते हो, ठीक है, रे ऑफ आईज बोल सकते हो, कुछ भी वर्डिंग बोल सकते हो. तो अब मेरे पास उन्होंने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ओके, तो मुझे हाइट ऑफ टावर मींस आई नीड टू कैलकुलेट दिस, दिस इज टावर. ओके, एंड लेट इट बी एच मीटर, मार्क इट ए बी सी डी. तो मेरे पास जो है लेट द हाइट ऑफ मेरे पास जो है टावर दैट इज इक्वल्स टू एच मीटर एज शोन इन फिगर. जब आप ये लिख देते हो ना तो उनको पता चल जाता है फिगर में सब कुछ दिया, आप वहीं से देख लो. ओके बेटा, अब सबसे पहले देखो मुझे हाइट निकालनी है, तो अगर मुझे ये एच निकालना है, मुझे ये पता है मुझे, पर ये साइड बेस नहीं ना पता, ना मुझे ये हाइपोटेन्यूज पता. तो मेरे माइंड में आता है कि मैं छोटी ट्रायंगल से पहले बेस यानी डीसी कैलकुलेट करूं, मैं डीसी को एक्स मीटर ले. ओके बेटा, तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, व्हाट आई विल डू, आई राइट इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल जो है, देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस पी बाय बी जो है, पी बाय बी दैट इज टेन 45 डिग्री. और टेन 45 क्या होता है, 160 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 60 पूरे बड़े ट्रायंगल में एंगल है, उसको नहीं ले सकते हम. ठीक है, तो मेरे पास होंगे बी सी दैट इज 20, डी सी एक्स 10 45 1, और मेरे पास जो है एक्स की वैल्यू 20 मीटर आ गई. ओके बेटा, क्लियर. अब मेरे पास जो है बड़ी ट्रायंगल में आ जाए, क्योंकि एच तो बड़ी ट्रायंगल में आता है. अब ध्यान से बेटा, इन ट्रायंगल मेरे पास जो है ए सी डी, मैं फिर बता दूं हम ए बी डी ट्रायंगल नहीं ले सकते हैं, उसमें कोई 90 डिग्री एंगल नहीं है. हम हमेशा जब भी ट्रायंगल लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें एक एंगल दिया. ओके, तो अब मैं यहां पर क्या करूंगी, ए सी डी ऑब्वियस है, इसमें ये पूरी जो परपेंडिकुलर है दैट इज ए सी बेस डी सी एंड दैट इज इक्वल्स टू टेन 60, क्योंकि इसमें पूरा एंगल 60 है. ओके, अब ए सी मेरे पास कितना है, एच प्लस 20, एच प्लस 20 ओवर डी सी. डीसी कितना है मेरे पास, एक्स, और एक्स कितना कैलकुलेट किया मैंने, 20 और टेन 60 रूट 3. ठीक है नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास जो है एच प्लस 20 दैट इज 20 रूट 3. तो एच की वैल्यू 20 रूट 3 माइनस 20, 20 कॉमन ले लो, रूट 3 माइनस 1, आपने ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे छोड़ दो, नहीं तो आप 1.732 माइनस 1 और 20 इंटू 0.732 अप्रोक्सीमेटली और मीटर्स में आंसर. ओके जी, यस दक्ष.
हाँ जी दक्ष बोली। मैम हमें हाइट निकालनी है, तो जो टॉप है जैसे अब आपने ऊपर ऊपर वाला लिया, तो मैम 20+ प्लस नहीं होगा, 20√3+1 प्लस होगा बेटा मैम। मैंने एच निकालना है ना, एच हाइट ऑफ ट्रांसमिशन इतना है बेटा, इतनी। नीचे तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है ना, हाइट टावर की तो इतनी रहेगी। तो मैंने जब यहाँ किया H+20 लिया, बाय मेरे पास एक्स था 20, ये तो मैंने सॉल्व किया। जब ये इधर 20 गया तो माइनस नहीं आएगा? मैम वो मैं पूरी नहीं लेनी मतलब। उन्होंने बिल्डिंग की थोड़ा कही है, दे जस्ट राइट कि एंड में उन्होंने कहा हाइट ऑफ द टावर, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर टावर है तो बेटा वो हम कितना लेंगे, जितनी एक्चुअल। अब तुम एक बिल्डिंग पे खड़े हो दक्ष, और तुम्हें कहा जाए कि तुम्हारी हाइट, तो उसमें कोई तुम्हारी हाइट में बिल्डिंग की हाइट थोड़ा ऐड करता है बेटा। आज जब हमने ट्रायंगल को लिया तो उसमें वो 20 ऐड कर, अदरवाइज एक्चुअल में हमने अच्छी निकाला। ओके दक्ष, यस मैम। चलिए बेटा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। ओके चलिए, अब रीड कोई करे और मुझे बताए कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, फिगर कैसे बनाई है आपको समझाया है, तो लेट अस टेल मी हाउ टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी बेटा। ओके बस तानिया, बाकी किसी को नहीं आता? चलिए तानिया आप ही बताइए बेटा। तानिया अनम्यूट योरसेल। यस मैम। हाँ जी बताइए बेटा। मैम पहले रीड हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बेटा, पहले करूँ रीड कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल स्टैच्यू 1.6 meters tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. क्या मैम एक करेंगे? पेडेस्टल ले लेंगे, उसकी हाइट होगी एच मीटर्स, और जो उसके ऊपर एक स्टैचू की बना लेंगे उसकी होगी हाइट 1.6 meters. फिर जो स्टैचू का टॉप होगा उसको एक पॉइंट से सी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, और उसका एंगल बनेगा 60 डिग्री. और जब उसको पेडेस्टल के टॉप से सेम पॉइंट पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे तो उसका एंगल बन जाएगा 45 डिग्री. ओके देन अब क्या करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस? अब एक वो जो सी पेडेस्टल की हाइट है वो एच मीटर्स होगी, उससे साइन थीटा लगा के नहीं टैन थीटा लगा के परपेंडिकुलर ओवर बेस करके नीचे वाला डीसी आ जाएगा, फिर 1.6 + h करके वो आ जाएंगे वैल्यूज. बिल्कुल करेक्ट बताया तान्या कि सबसे पहले स्मॉल ट्रायंगल मतलब BBC ट्रायंगल में लेंगे, जिसमें एंगल 45-90 आ रहा है, हम इसको एक्स मीटर ले लेंगे। जो भी हम लेट करें, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लिखोगे लेट DC बी एक्स मीटर, लेट BC बी एच मीटर, द हाइट ऑफ द पेडेस्टल जो हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड आउट करने को कही। अब प्रॉब्लम क्या है ध्यान से देखना, अगर मैं सबसे पहले छोटी ट्रायंगल ले रही हूँ इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, एच बाय एक्स मैं ले रही हूँ 10 45, ठीक है। प्रॉब्लम ये है ना, एच पता है ना एक्स पता है, निकालना मैंने एच, ठीक है। तो मैं यहाँ से एच बाय एक्स, मुझे रिलेशन पता चल गया, एच इज इक्वल टू एक्स, आई मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट, मतलब घबरा नहीं जाना। ओके अब बड़ी ट्रायंगल में देखते हैं, बड़ी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल मेरे पास ACB, अब इसमें AC ओवर DC, फिर वही परपेंडिकुलर ओवर बेस है ना, P बाय B, आपको पता है tan होता है, तो
तो आई यूज हियर टेन सिक्सटी, ओके। तो टेन सिक्सटी मेरे पास होंगे किसके इक्वल होता है, रूट थ्री, और इसी की किसके इक्वल है, 1.6 प्लस एच, और नीचे डीसी किसके इक्वल है, एक्स के, दैट इज रूट थ्री। 1.6 प्लस एच रूट थ्री एक्स, मुझे एच निकालना है, और एक्स किसके इक्वल है, एच के। तो बेटा लिख दो एक्स की जगह पे एच लिख दो। नाउ इसको ट्रांसपोज कर लो, 1.6 रूट थ्री एच माइनस एच, तो ये 0.732 आ जाएगा, माइनस करके देख लो, एच, तो एच किसके इक्वल होगा, 1.6 बाय 0.732 मीटर्स। सॉल्व इट, ओके। जरा सॉल्व करना, तो मेरे पास जो ये जो आंसर आएगा डिवाइड करके, दैट इज 2.185 समथिंग, तो आप अप्रोक्सीमेटली 2.20 मीटर आंसर दे सकते हैं राउंडिंग ऑफ करके, ठीक है। यू जस्ट राइट हियर अप्रोक्सीमेटली, नहीं तो आपकी मर्जी, आप हाइट को रूट में भी रह सकते हो, जब आप एच कॉमन लो तो रूट थ्री माइनस वन रैशनलाइज कर दो, ये आप पे है। समटाइम दे राइट फाइंड द आंसर इन टू डेसिमल प्लेसेस, तो आपको रूट थ्री की वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी, ओके। नहीं भी दी तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। क्लियर बेटा सबको? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं सबको? बस एक ही बच्चे ने थम्स अप किया, मीन बाकी सबको क्लियर नहीं है, आप पार्टिसिपेट नहीं करते बाकी बच्चे ना, ओके गुड, यस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो गए हमारे पास, जो गए क्वेश्चन नंबर 9th, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 9th, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9th में क्या दिया हुआ है, रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th को कौन रीड करेगा, ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर अस टू, ओके। बिसम, यस बिसम, यस बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर्स हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या करेंगे फिर, कैसी फिगर बनेगी? इफ दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज द टावर, ठीक है, और मेरे पास जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मैंने टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एलिवेशन देखना है, यानी मैं नीचे होने चाहिए, बिल्डिंग ऊपर होनी चाहिए, देखना कहाँ से है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टार, यानी टार के फुट से, ये मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, दिस इज 30 डिग्री। बहुत ध्यान से फिगर बना सकते हो आप, ठीक है। नाउ व्हाट दे हैव रिटन इन द नेक्स्ट लाइन, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब मैंने टावर के टॉप को देखना है, ठीक है, लेकिन कहाँ से देखना है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, दैट इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मुझे ये दिया है, दिस इज 50 मीटर, ओके। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्ड, मुझे ये कैलकुलेट करना, ठीक है, तो क्या करें, इसको एच मीटर ले ले, आप लिखोगे लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है बी एच, बेस भी लेना पड़ेगा ना एक्स, अब आपकी मर्जी है। कई बच्चे पहले ये छोटी ट्रायंगल ले लेते हैं, तो वो एच और एक्स में रिलेशन है, कई स्टार्ट ही इधर से करते हैं और पहले एक्स निकाल लेते हैं दूसरे में पुट कर देते हैं, ये आप पे डिपेंड है, ओके। तो हम कैसे स्टार्ट करें, हम इन पहले छोटी, मैं तो हमेशा बच्चों को कहती हूँ पहले छोटी ट्रायंगल, ठीक है ना, तो क्या करें, ए बी सी, तो क्या होगा, ए बी ओवर बी सी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज टैन 30। बेटा 60 नहीं लेना,
ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल है 30, इसी के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर और बेस हम देख रहे हैं, है ना। तो अब ए बी एच बी सी एक्स, हाँ जी, टेन 30 1/√3, ओके। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट इज √3h, मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब क्या करेंगे, मेरे पास जो है, व्हाट वी विल डू नाउ इन ट्रायंगल जो है डी सी बी 50 बाय एक्स, दैट इज टेन 60 डिग्री, ओके। तो 50 एक्स मैंने कैलकुलेट किया है √3h, ओके, एंड टेन 60 दैट इज √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दैट इज 50 √3 × √3h, तो 50/3h डिवाइडेड एंड मीटर्स में आ गए। एनी डाउट टू एनी वन, एनी डाउट बेटा, कोई किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, ओके। चलो, दिस कंप्लीट्स योर टुडे लेक्चर।